नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे टाटा मोटर्स के अल्ट्रा T19 ट्रक के बारे में, जिसे ई कॉमर्स एप्लीकेशंस को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है, जहां गाड़ियों को लंबी दूरी टाइम में कवर करनी पड़ती है। सबसे पहले जानते हैं इस गाड़ी के इंजन के बारे में। इसमें लगा है टाटा मोटर्स का टर्बोट्रॉन 2.0 इंजन। ये इंजन पावर प्रोड्यूस करता है 150 किलोवाट यानी कि 204 HP की 850 न्यूटन मीटर टॉर्क के साथ। इस ट्रक में 6-स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन मिलता है। ट्रक के फ्रंट एंड रियर एक्सल पर लीफ स्प्रिंग सस्पेंशन दिया गया है, जिससे लोडिंग में कोई दिक्कत नहीं होती। बात कर ले इस ट्रक के टायर साइज की। इस ट्रक में 295/90 R20 सेक्शन के टायर्स दिए जाते हैं। ट्रक के फ्रंट कैबिन डिजाइन को काफ़ी अच्छा बनाया गया है। फ्रंट साइड पर ड्यूअल चेंबर हैलोजन हेडलैम्प्स है और ग्रिल पर टाटा मोटर्स का लोगो बढ़िया लगता है। सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए ट्रक के फ्रंट, रियर और दोनों साइड्स में अंडर रन प्रोटेक्शन गार्ड्स दिए गए हैं। इस ट्रक का GVW यानी कि ग्रॉस व्हीकल वेट 18,500 किलोग्राम्स का है। टाटा अल्ट्रा T19 में 4 लेंथ ऑप्शंस मिल जाते हैं, जिसमें 20 फीट, 22 फीट, 24 फीट और 32 फीट शामिल है, जिनमें 20 फीट, 22 फीट और 24 फीट ऑप्शन में 254 लीटर्स का फ्यूल टैंक मिल जाता है। और इस ट्रक के सबसे लॉन्ग वेरियंट यानी कि 32 फीट ऑप्शन में 245 लीटर्स के साथ 400 लीटर्स का फ्यूल टैंक ऑप्शन आपको दिया जाता है। और साथ ही साथ इस ट्रक के एडब्लू टैंक की कैपेसिटी 60 लीटर्स की है। अब जानते हैं इस ट्रक के ग्रेडेबिलिटी यानी कि चढ़ाई लांघने की क्षमता के बारे में। इस ट्रक में आपको 25.8% की ग्रेडेबिलिटी मिल जाती है, जिसके कारण बड़े बड़े घाट सेक्शन और फ्लाईओवर्स ये आराम से पार कर सकती हैं। ट्रक की रियर साइड में LED टेल लाइट्स दिए गए हैं, जो रात में काफ़ी दूर से दिखते हैं। और इस ट्रक में 24 वोल्ट बैटरी सेटअप आपको मिल जाता है। ये तो था ट्रक का एक्सटीरियर डिज़ाइन। अब देखते हैं इसके इंटीरियर डिज़ाइन को। टाटा अल्ट्रा T19 में स्लीपर कैबिन दिया जाता है। इंटीरियर्स में सबसे पहले आपकी नज़र जाती है इसके 4-स्पोक स्टीयरिंग व्हील पर। ये टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक स्टीयरिंग व्हील है, जिसे ड्राइवर अपने अनुसार एडजस्ट कर सकता है। स्टीयरिंग व्हील के लेफ्ट हैंड साइड में रेन वाइपर्स और क्रूज कंट्रोल के कंट्रोल्स दिए गए हैं, और स्टीयरिंग की राइट हैंड साइड में इंडिकेटर्स और हेडलाइट्स के कंट्रोल्स आपको मिल जाते हैं। इस ट्रक का डैशबोर्ड डिज़ाइन बहुत बढ़िया लगता है। कैबिन में ड्राइवर के साथ 2 लोग आराम से सफ़र कर सकते हैं। अल्ट्रा T19 में एडवांस डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है, जिसमें स्पीड, RPM, फ्यूल लेवल, एयर प्रेशर के साथ आप कई सारे पैरामीटर्स चेक कर सकते हैं। डैशबोर्ड के सेंट्रल एरिया में म्यूजिक सिस्टम माउंट किया गया है और इस ट्रक में AC का ऑप्शन भी आपको मिल जाता है। इस ट्रक में लाइट, मीडियम एंड हेवी मोड्स को ड्राइवर लोड एंड रोड कंडीशन के अनुसार यूज़ कर सकता है। यहाँ पर है रीजनरेशन ऑन एंड रीजनरेशन ऑफ करने के बटन्स, और ये है एग्जॉस्ट ब्रेक का बटन। साथ ही साथ हेल्प बटन के ऊपर हजार्ड लैम्प का बटन आपको देखने के लिए मिल जाता है। डैशबोर्ड पर 2 ग्लो बॉक्स क्लीनर साइड में दिए गए हैं, और अपर साइड में कैबिन लाइट्स के साथ सनवाइजर और स्टोरेज कंपार्टमेंट्स आपको मिल जाते हैं। इस ट्रक का कैबिन वॉक थ्रू कैबिन है, जिसकी मदद से आप एक साइड से दूसरे साइड में आसानी से आ जा सकते हैं। सेफ्टी के लिए डोर्स पर आपको एक वार्निंग लाइट मिल जाता है, जो रात के समय में पीछे से आने वाले वाहन को सावधान करता है। दोस्तों, अगर आप अपने बिजनेस के लिए एक बढ़िया ट्रक देख रहे हैं, तो टाटा अल्ट्रा T19 आपके बिजनेस के लिए एक बढ़िया ऑप्शन हो सकता है। तो ये थी टाटा मोटर्स की अल्ट्रा T19 ट्रक। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं मिलता हूँ किसी और अच्छी वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।